नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट। इस वीडियो को आप पूरे तरीके से देखें। जिन भी दोस्तों का अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उन सभी दोस्तों के लिए, और जो भी दोस्तों का एडमिशन हो चुका है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपको बता दें कि जो भी दोस्तों अभी तक एडमिशन के लिए कॉलेज नहीं गए हैं तो जाके कॉलेज से एडमिशन करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सेकेंड ओपन मेरिट लिस्ट का जितने भी दोस्तों इंतजार कर रहे हैं वो जो है 13 के बाद ही कोई अपडेट आएगा तो उसके जानकारी हम शेयर कर देंगे, फिलहाल इंतजार करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओपन मेरिट से पहले दिन हुए 3,554 एडमिशन, ध्यानपूर्वक समझें। और यहाँ पे देख सकते हैं यूजी के 30 कोर्सों में अब तक 51,185 छात्राओं ने लिया एडमिशन। चलिए हम इसको जूम करके और अच्छे से जानकारी को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए आप सभी के लिए खुशखबरी क्या है, तो खुशखबरी यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पे देखिए दोबारा पंजीकरण का मिल सकता है मौका। मतलब जो भी दोस्त लोग एडमिशन के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको मिलेगा मौका, जो छूट गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उनको दोबारा मौका मिला जाएगा। कब मिलेगा उसकी जानकारी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए कहा गया कि यूजी में दूसरी ओपन मेरिट से पहले वीवी एक बार फिर से पंजीकरण खोल सकता है। देख सकते हैं इस तरह से जानकारी मिला है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरिट के लिए जो है यानी कि पहली ओपन मेरिट के लिए एडमिशन होने के बाद यानी कि पहला जो ओपन मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए उस सबका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 13 सितंबर के बाद जो है दोबारा पंजीकरण स्टार्ट होने की 100% संभावना यहाँ पे जताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या गया, 13 सितंबर को एडमिशन होने के बाद कॉलेज दूसरी ओपन मेरिट जारी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए छात्र छात्राओं खाली सीटों वाले कॉलेजों में ऑफर लेटर जमा करेंगे, यानी कि दूसरी जो है ओपन मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें बहुत सारे दोस्त लोग जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो और बाकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उन सभी का, ठीक है, ध्यान रखें सभी का। देख सकते हैं क्या कह रहा है, इसके लिए छात्र छात्राएं खाली सीटों वाले कॉलेज में ऑफर लेटर जमा करेंगे। अभी भी यानी कि वर्तमान में भी अभी भी एडेड और राजकीय कॉलेजों में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन का मौका ऑफर लेटर एक से ज्यादा कॉलेज में भी जमा किए जा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों करीब 2 से 3 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यानी कि जो भी दोस्त लोग का एडमिशन मतलब ऑफर लेटर जमा किए हैं और उस कॉलेज में नाम नहीं आया है तो उन सभी के लिए कहना चाहेंगे दोस्तों एक बार उस ऑफर लेटर को एक बार फिर से डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी कॉलेज में यानी कि सीटें खाली हैं उस कॉलेज में उस ऑफर लेटर को जमा करके आप एडमिशन को ले सकते हैं। इस तरह से खुद यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अब तो आपको पता ही होगा कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, और बता दें कि ये कब मिलेगा, तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि वही CCSU कैंपस कॉलेजों में MA, MSc, MCOM, LLB के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। UG के फाइनल ईयर रिजल्ट के सभी रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर मेरिट जारी होगी। मतलब यूजी में जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे मेरिट रुकी हुई है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर दिए हैं। जितने भी दोस्त लोग एडमिशन फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट से ले चुके हैं वो भी कमेंट करें, और जिसको किसी ना किसी प्रकार की परेशानी है वो भी कमेंट करें, ताकि हम आप सभी के सामने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड अपडेट होगा वो हम शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।